हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस प्लेस अगेन। टुडे वी कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, चैप्टर 2, टॉपिक द आंट एंड द ग्रास होपर। स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स रीड इंट्रोडक्शन। ओके, सोमरसेट मोम्स रोट नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेस। सोमरसेट मोम ने नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस लिखे हैं। देयर आर 3 वॉल्यूम्स ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज। उनके 3 वॉल्यूम्स हैं उनकी शॉर्ट स्टोरी के। इन हिज स्टोरी, इस स्टोरी में ही टेल्स अस, वह हमें बताते हैं, डेट द मोरल ऑफ द ओल्ड फेवल। फेवल मीन्स होता है पशु पक्षियों की कथा। ओके, कहानी, कथा, इमेजिनरी जो कहानी होती है। ऑफ द आंट एंड द ग्रास होपर इज नॉट ऑलवेज राइट। जो पुरानी कथा है, कहानी है पशु पक्षियों की, कौन से पशु पक्षियों की, आंट एंड द ग्रास ओपर की, वो सदैव सत्य नहीं है। वी सी द अपोजिट ऑफ इट इन, हम देखते हैं रियल लाइफ से अपोजिट देखते हैं। समटाइम्स द लेजी मैन इज रिवार्डेड, कभी कभी क्या होता है, जो लेजी मैन होता है उसको भी इनाम मिल जाता है। द फेवल, फेवल कहानी। वेन द ऑथर वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय ही लर्न द फेवल द आंट एंड द ग्रास ओपर। जब ऑथर छोटा, बहुत छोटा था, तब उसने एक कहानी सुनी थी, सीखी थी या शिक्षा ली थी उससे। वो क्या थी? द आंट एंड द ग्रास ओपर थी। द लेसन ऑफ द फेवल इज दैट, उसकी जो शिक्षा थी, हार्ड वर्क हैज़ गुड रिजल्ट, जो कठिन परिश्रम करता है उसका परिणाम अच्छा होता है। एंड द पर्सन हु इज टू फाउंड ऑफ प्लेजर सफर्स, और उसको सफ़र करना पड़ता है सदैव सुखी का। ठीक है, जो सुखी का अनुभव करता है, सुखी का शौकीन होता है, सिर्फ उसी से सफ़र करना पड़ता है। ही डिड नॉट लाइक द स्टोरी, उसे ये कहानी पसंद नहीं थी। एंड ऑलवेज पुट हिज फुट ऑन एन आंट व्हेन ही साइड, और जब भी वह कभी आंट को देखता था तो उसके ऊपर पैर रख देता था। रिमाइंडेड ऑफ द फेवल, कहानी को याद करता है। वन डे, एक दिन, द ऑथर सा जॉर्ज रामसे, एक दिन ऑथर ने जॉर्ज रामसे को देखा। ही वॉज लॉन्चिंग अलोन इन अ रेस्टोरेंट, वह लंच कर रहा था अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के। हिज यंगर ब्रदर टॉम हैड ऑलवेज इन्जॉयड हिमसेल्फ, और जो उसका भाई, छोटा भाई था टॉम, वह सदैव अपने आप में इन्जॉय करता रहता था। जॉर्ज हैड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बिहेव ऑनेस्टली, और जॉर्ज जो था वो सदैव कठिन परिश्रम करता था और बिहेव करता था ईमानदारी से। जॉर्ज हैड बिलीव दैट टॉम वुड सफर इन द एंड, जॉर्ज सोचता था, जॉर्ज का विश्वास था कि टॉम जो है उसको सफ़र करना पड़ेगा अंत में। बट टॉम सडनली ग्रू वेरी रिच, लेकिन अचानक से टॉम बहुत धनी हो गया। वेन द ऑथर हर्ड इट He thought of the fable. ऑथर ने सुना, जब ऑथर ने ये सुना, he thought of the fable, तब उसने विचार किया उस कहानी के ऊपर। कहानी कौन सी थी? The ant and the grasshopper. Okay. The family, the story of the Tom was this Ramses were respectable. जो स्टोरी है टॉम की, वॉज दिस, वो ये थी कि रामसेस बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैमिली पीपल थे। जॉर्ज रामसेस द एल्डर ब्रदर वॉज अ लॉयर, जॉर्ज रामसे यंगर, बड़ा भाई था और लॉयर था। ही वॉज ऑनेस्ट, इंडस्ट्रियस एंड वर्दी, वह ईमानदार, परिश्रमी और योग्य व्यक्ति था। ही वर्कड हार्ड इन हिज ऑफिस, वह अपनी ऑफिस में कार्य करता था। ही वॉज अ फेथफुल हस्बैंड एंड अ गुड फादर, वह एक फेथफुल हस्बैंड और अच्छा पिता था। ही ऑलवेज सेव्ड अ थर्ड पार्ट ऑफ हिज इनकम, वह सदैव बचाता था अपनी इनकम का थर्ड पार्ट। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, उसकी जो लाइफ था, जीवन था, वो ब्लेमलेस था, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। ही होप टू इन्जॉय अ पीसफुल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, उसकी आशा थी कि वह अपने रिटायरमेंट के बाद अपना जो जीवन है वो शांतिपूर्वक बिताएगा। द यंगर ब्रदर टॉम वॉज ऑलवे ऑल्सो लीडिंग अ गुड लाइफ, जो यंगर भाई टॉम था वो भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। सडन चेंज, अचानक से चेंज हुआ।
वन डे टॉम सडनली सैड, एक दिन टॉम ने कहा, दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं है. ही डिड नॉट लाइक मैरिड लाइफ, उसे मैरिड लाइफ पसंद नहीं है. ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, बस स्वयं में एंजॉय करना चाहता है. ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, एंड हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को भी छोड़ दिया. ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे थे. ही वेंट टू द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, यूरोप की विभिन्न राजधानियों में गया. द मनी वॉज स्पेंट इन 2 ईयर्स, जो पैसे थे उसके पास वो 2 सालों में खर्च हो गए. टॉम्स विक वेस्ट, टॉम ने जो विक तरीका था वो अपनाया. टॉम कंटिन्यू टू इंजॉय लाइफ, टॉम लगातार अपने जीवन को इंजॉय कर रहा था. ही मेड मनी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज, उसने सभी प्रकार से पैसे बनाने चाहे. ही बोरोड, उसने बोरो किया. ही प्रोमिस टू ब्रदर सॉरी टू जॉर्ज, उसने जॉर्ज से वादा किया, दैट ही वुड बिकम अ बेटर मैन, कि वो सही व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बन जाएगा. जॉर्ज गेव हिम मनी, जॉर्ज ने उसे पैसे दिए. वट ही डिड नॉट चेंज, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ. जॉर्ज रिफ्यूज टू गिव हिम मनी, जॉर्ज ने उसे पैसे देने से मना कर दिया. देन ही वेल ब्लैकमेल्ड जॉर्ज, तब वो जॉर्ज को ब्लैकमेल करने लगा. ही सर्व्ड इन अ वार और ड्रॉप अ टैक्सी, उसने बार में सर्व किया और टैक्सी ड्राइव करने लगा. जॉर्ज पेड टू सेव द ऑनर ऑफ द फैमिली, जॉर्ज ने सारा उसका जो पे अपनी फैमिली के सम्मान के लिए सारा पे सभी कुछ पे कर दिया. वर्स्ट ट्रिक, जो उसकी चाल थी बुरी वो क्या थी? अ मैन क्रॉन्सो सेड, एक मैन क्रॉन्सो था, उसने कहा, दैट टॉम हैड चीटेड हिम, कि टॉम ने उसको चीट किया. ही वुड टॉक द मैटर टू द कोर्ट, कि वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा. इट वॉज सर्टेन, ये निश्चित है, कि दैट टॉम वुड बी सेंट टू जेल, कि टॉम को जेल भेजा जाएगा. जॉर्ज पेड हिम जॉर्ज सॉरी जॉर्ज पेड 500 pounds टू सेटल द मैटर. जो डॉम जो जॉर्ज था, उसने अपनी फैमिली के ऑनर के लिए उसको 500 pounds इस मामले को सेटल करने के लिए पे कर दिए. टॉम हैड टॉम एंड क्रॉन्सो स्पेंट अ हैप्पी मंथ टुगेदर, टॉम और क्रॉन्सो दोनों ने मिलकर हैप्पी मंथ, मतलब दोनों ने साथ साथ मिलकर काफ़ी महीने तक खुशी खुशी बिताई. दे हैड चीटेड जॉर्ज, उन दोनों ने मिलकर जॉर्ज को चीट किया था. द एंड, अंत में क्या होता है? टॉम लिव्ड अ वेरी लग्जीरियस लाइफ, टॉम बहुत ही विलासतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था. फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक लगातार अपना ही विलासतापूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा. जॉर्ज हैड ऑलवेज थॉट, जॉर्ज हमेशा सोचता था, दैट टॉम्स लाइफ वुड बी मिजरेबल इन द एंड, कि टॉम की जो लाइफ होगी वो अंत में बहुत ही दयनीय हो जाएगी. टॉम बिकम इंगेज टू अ वेरी ओल्ड रिच वूमन, और टॉम जो था वो इंगेज हो गया था एक बूढ़ी सी रिच महिला से. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद सी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई. एंड द लेफ्ट फॉर टॉम हाफ अ मिलियन पाउंड, और वह उसके लिए आधा मिलियन पाउंड छोड़ गई. अ याच, एक याच. अ हाउस इन द लंडन, एक लंडन में घर. एंड अ हाउस इन द कोर्ट सॉरी कंट्री, और वो कंट्री, कंट्री मीन्स होता है गांव, और गांव में भी एक घर छोड़ गई. वट ही कुड नॉट गिव अप हिज हैबिट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी. आदत क्या थी उसकी? अपने फ्रेंड से पैसे मांगने की. ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी समरी, कि कौन से चैप्टर की? सेकंड चैप्टर, नेम था जिसका द आंट एंड द ग्रास होपर. ओके, थैंक यू.